अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, किडनियाँ अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत, किडनियाँ अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसे बचा को रख लेना हमारा फर्ज है। हाँ, अब मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। अब लास्ट मंथ इन्हों आए थे, इनका क्रिएटिनिन 8 था, 8.11 था। अल्लाह का फजले करम से अल्हम्दुलिल्लाह 4 पे आ गया और इमरजेंसी डायलिसिस को बोल दिया थे इनको, इमरजेंसी डायलिसिस को बोल दिए थे। बहुत सारे तकलीफें थे, बहुत रोले को बहुत तकलीफें से आए थे। अब अल्लाह का फजले करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसी है तबीयत आपकी? अच्छी है। पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? पहले उल्टी होती थी, बाद खाना नहीं चलता था, सुस्ता की बहुत थी, अब कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और रिपोर्ट्स भी मेरे हाथ में छी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह 8.11। मिस्टर बाबू, डेट 2 सातवां महीना, अब यहाँ पे है अगस्त, 15 अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 पे आ गया क्रिएटिनिन। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायलिसिस कराते वक्त आप, वो भी एक ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी को ले सकते, नॉट अ प्रॉब्लम। बट डे बाई डे इंसान वीक होते जाता, चार साल, 5 साल, 10 साल, उनका एक टाइम ऑफ पीरियड रहता, सांस खत्म हो जाती, इंतकाल हो जाता, लेकिन तकलीफ बहुत। जब आप कुदरती चीज़ों का सहारा लेंगे इंशाल्लाह, दिन ब दिन आप इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे इंशाल्लाह। कुदरती चीज़ें क्या हैं? ये छे पकड़ो माँ, ये है पीपल का पत्ता। अगर ये झाड़ के बाजू भी आप जाके बैठे ना इंशाल्लाह, बंद करो, अगर झाड़ के बाजू भी जाके बैठ गए ना इंशाल्लाह, खुदरतन आपके किडनियां चार्ज हो जाती इंशाल्लाह, खुदरतन, अल्लाह ताला के हुकुम से, जब आप अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करते, ठीक है ना। ये पकड़ो जी, अब आप इस्तेमाल क्यों करना है इन चीजों का, ध्यान देखो। ये पूरे ऐसा डालियां के साथ 1 पानी ले लो, ये पूरे ढालियां के साथ ऐसा आग जो है ना, ये पीपल के पत्ते ऐसा तोड़ के 1 पानी में, आपको जरूरत नहीं है ना मेरे पास आने की जरूरत है, ना कोई हकीमों के पास जाने की जरूरत है, ना कोई डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत है। एलोपैथिक मेडिसिन जो भी ले रहे हैं किडनी पेशेंट्स, बच्चे को लेकर के नहीं बोले, बच्चे को तो ले जाओ ना, जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही आप, वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ये कुदरती चीजों का सहारा लेंगे इंशाल्लाह, आप कुदरतन सही होते आएंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या करो, आपका क्रिएटिनिन कितना भी हो, आप घोघरू का काटा ले लो, ये घोघरू का काटा है, आपको डिटेल से दिखा दूं मैं इंशाल्लाह, आप देख लो। क्यों बोले पहचान नहीं है बोल के बहुत सारे कंप्लेंट्स आते, लेकिन आपके घरों के आसपास रहते ये कुदरतन चीजें, इसे खुदल्ले को जाते हम, हमारा सिर ही उठा के, क्यों बोले तो 4 कमा लेती ना, तो ही सिर उठा के चलती, तो ये नेमत की कदर नहीं करते। जब अल्लाह तुम्हारी नस दबाती, जब मुतने नहीं आता ना, उस वक्त जबरदस्ती जमीन के ऊपर तुम्हारा नजर जाती, तब आप क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हुए इस्तेमाल करते, तब फायदा होता है इंशाल्लाह। ये देखो, यहीं घर में बैठ को कर लियो आप ट्रीटमेंट, इंशाल्लाह तैयार हो जाते आप। फिर ये इसे पुनर्नवा बोलती हैं, इसे ठिकरी की भाजी बोलती हैं, घरों के आसपास रहती, अगर आपको नहीं मिली तो ये इसका पाउडर मिलता, पुनर्नवा का पाउडर करके पूछो दुकान में, ऑनलाइन भी पूछो, आप देते आपको पुनर्नवा का पाउडर, एक मुट्ठी डालो आप, देख लो गौर से देख लो। और ये है पीपल का पत्ता, घरों के आसपास आसानी से मिल जाता,
किसी कितने पैसे भी खर्चा थी फ्री में दे रही अल्लाह ताला, लाखों करोड़ों की चीज है वो। एक करोड़ रुपए देते तुम्हारे दो किडनियां दे, बोले देती हैं आप नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला मुफ्त में आपको तैयार करते इन चीजों से। कहाँ पे है रस्ते, एक मिनट। तो इंशाल्लाह आपके घरों के आसपास मिलते हैं ये चीजें का इस्तेमाल करो इंशाल्लाह आपके अंदर किडनी डैमेज हो गए खराब हो गए तो इंशाल्लाह इन कुदरती चीजों से आप तैयार हो जाते। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और जो है कि इमरजेंसी डायलिसिस को बोल रही है आपको इमरजेंसी कराना है तो डायलिसिस के साथ साथ आप ये कर सकते हैं। घरों में एक लीटर पानी ले लो आप, एक लीटर पानी ले लेके ये डालो उसके अंदर, एक दो तीन मुट्ठी डालो, और पुनर्नवा का पाउडर मिला तो पुनर्नवा का पाउडर डालो, घोघरू के कांटे ले लो, घोघरू के कांटे एक दो तीन मुट्ठी ले लो, और पीपल के पत्ते एक 50 पत्ते ले लो, और चाहे तो आप दुकान में पूछे तो आपको गिलोय की जो है डालियां मिलते हैं, गिलोय बोलो गिलोय, वो भी डाले तो और फायदा इंशाल्लाह, वो ले लो एक मुट्ठी, एक लीटर से उसे गला को आधा लीटर कर लियो, नहीं तो दो लीटर से एक लीटर कर लियो, सुबह से लेकर शाम तक पानी की जगह ये पीना। और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिमाग को ठंडा रखना, टेंशन गुस्सा डर मोबाइल में घुस जाती पूरी रात, हाँ रात सारी गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट, स्टेटस में बिजी, टीवी में बिजी, सीरियल में बिजी, ये चीजा आप इसमें आप लग गए तो दिमाग गर्म हो जाता, सुकून से नींद नहीं आती, गुस्सा टेंशन डर इसमें बैलेंस खराब हो जाता आपका, तो ये चीजा से आपका दिमाग गर्म हो जाता। दिमाग को ठंडा रखो, सुकून से नींद करो, यकीन करो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह आपको तकलीफ दे रही आजमा रही क्योंकि अल्लाह आपको करीब कर सके, अल्लाह के करीब रहना ना हमें, अल्लाह से दूर हो गए तो ये तकलीफा और बढ़ जाती। गलती कर रही क्या सोचो, अगर गलती हो रही कहीं पर भी गलती कर रही, किसी का पैसा मार रही, किसी का हक मार रही, किसी का दिल तोड़ रही, तो ये आजमाइश नहीं होती, ये सजा होती। नमाज नहीं पढ़ रहे सजा होती है, नहीं आप नमाज पढ़ रही सबका अच्छा कर रही फिर भी आपको तकलीफ हो रही, समझ जाओ आजमाइश हो रही आपकी, आजमाइश। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे अंदर ताकत नहीं है ये आजमाइश से गुजरने की, अल्लाह जल्दी मेरी आजमाइश को पूरा कर दो, बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला काले पहाड़ में रात में काली चिमटी के दिल की बात सुनते गए, लेकिन सारे जानवरों से बेहतरीन मखलूक कौन है, इंसान आए तो इंसान को अल्लाह ताला सबसे ज्यादा चाहते तो इंसान का हाथ नहीं छोड़ते अल्लाह ताला। पूछो अल्लाह से, तहज्जुद उठ के नमाज पढ़ो, मांगो अल्लाह से, देने वाले अल्लाह हैं, बाकी के पूरे मतलब के हैं, मतलब रहे तक टिकती नहीं तो भाग जाते, मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया में हमें लोगों के ऊपर ही यकीन लाते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं लाते, इन्हें क्या है उन्हें क्या है इसका क्या है उसका क्या है, दूसरे के बारे में बहुत छोड़ो सोचना, अल्लाह उनके नसीब को उनको उत्तरता सही दे रही, समझ में आ रहा, बस अल्लाह ताला इंसान से काम ले रही क्यों बोले तो रिज़क अल्लाह ताला दे रही, समझ में आ रहा। कीड़े को भी पत्थर के अंदर अल्लाह रिज़क देते, करोड़ों के मछलियों को भी अल्लाह ताला समंदर में रिज़क देते, आप भी जब ताकत नहीं थी आपको काम करने की, जब पैदा हुए थे आपको उठ को यूं ठहरने की भी जो है ताकत नहीं थी, तो फ्री में रिज़क दे रहे थे अल्लाह ताला आपको, पेट के अंदर भी अल्लाह ताला आपको अंतड़ी के जरिए से रिज़क दे रहे थे, 9 महीने तैयार करे आपको, करे या नहीं करे, पैदा होते ही आपको दूध का इंतजाम करे, करे नहीं करे, दूध के अलावा कुछ तो भी चलता था आपको, नहीं चलता था, जवानी में अल्लाह ताला काम ले रही क्यों ले रही है, काम कर बंदे तब भी देते तुझे खाना, समझ में आ रहा। तो काम करो, मेहनत करो, जिस्म को गर्म रखो, जिस्म को गर्म रखो, और ये खुदरतन चीजा का इस्तेमाल करो, किडनी के पेशेंट्स दिमाग को ठंडा बेहद जरूरी है रखते हुए इंशाल्लाह इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे फटाफट तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। दिमाग को ठंडा, जिस्म को गर्म, सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज योगा करो, हाथों को और पैरों को पंजों को थोड़ा जैतून से मसाज करो, हाँ प्रोटीन आइटम नहीं खाओ, पेट को नरम रखो, पेट को नरम कैसा रखती, खुद के बासना छोड़ को बाजू के बासना झांकती, उसे 4 टुकड़े मिले मंजे 2 टुकड़े मिले, उसमें भी हड्डा लाया सो गोश मई पकाई सो गोश मई मिल रहा सोच मंजे कम, ऐसी चीज नहीं हमारी सोच ऐसी रहने से हम ना बीमारी छोड़ को नहीं जा रही, हाँ तो आपके 2 टुकड़े मिले तो खुशी से शुक्र अदा करते हुए कहो 2 टुकड़े बस है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ रहा, वो 2 टुकड़े अच्छा बारीक चबा के खो, निगलो ना घपा घप
कि पेट को वजन पड़ता, समझ रही हैं आप? तो किडनी के पेशेंट्स गोश्त नहीं खाना, परहेज। अब खाने बोले तो खा लेंगे, बात मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कौन भी खाती है, एक दो टुकड़े खाओ, दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस नको, बीमारियां की अलामत है, समझ रही? तो किडनी के पेशेंट्स गोश्त नहीं खाना, दिमाग को ठंडा रखते हुए प्रोटीन आइटम बंद करना, दूध का कौन सा भी आइटम नहीं लेना, गोश्त का आइटम नहीं लेना, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना, इसकी वजह से किडनी पे वजन पड़ता। इन परहेज के साथ इन चीजों का इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह खुदरतन दिन ब दिन तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा इंशाल्लाह। फिर आप दुआ देंगे, दुआ तो देती नहीं, फायदा हुआ तो दुआ देते सबकी, बोलो मतलब की दुनिया ना। हाँ तो मैं भी सिर्फ अल्लाह को राजी करने आ रहा हूँ यहाँ तक, नहीं तो मैं जरूरत नहीं है, शिमोगा में बैठ को हजार अपने को देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये भटकना कहीं को भटकना अल्लाह ताला ताकत दी, इसीलिए 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में मिलते इंशाल्लाह, MSK मिल अपोजिट पानी की टांकी शोर गुम्बस, 6 तारीख को बीदर, बीदर में इंशाल्लाह जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाजा चुन्ना पट्टी, फिर 7 तारीख को एक दिन रेस्ट करने दो मुझे, 8 तारीख को रायचूर में मिलते इंशाल्लाह, रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, ANR अल सलामा फंक्शन हॉल में, फिर 9 तारीख को ANR फंक्शन हॉल कर्नूल में मिलते इंशाल्लाह 9 तारीख को, फिर 17 तारीख को मैसूर में ओल्ड एज होम में 17 तारीख, 18-19 तारीख को, आज 18 है नहीं तो आज होसूर में इंशाल्लाह, आज और कल 2 दिन हर महीना, और इंशाल्लाह 26 तारीख को मुंबई, ये महीना थोड़ा डाउट दिख रहा है कि बोले तो थोड़ा प्रॉब्लम्स है कोरोना की वजह से आउटसाइड, ठीक है ना। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, देख के ठीक से फॉलो अप कर लियो, ये वीडियो में मैं बतला दे लूँ कौन से जड़ी बूटियां क्यों इस्तेमाल करना बोल के, डाउट रहा तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करो, घर पे बैठे आप खुद तैयार हो जा सकते हैं इंशाल्लाह, कौन से भी दवाइयों की जरूरत नहीं रहती आपको इंशाल्लाह, और सारे रेमेडीज मैं छोड़ रहा हूँ आपको, बिकॉज सीख जान दे आप, घर पे बैठ के किसी के मोहताज नहीं होना हमें सिवाय अल्लाह के, सीख जो घर बैठे बैठे कर ले सकते आप, समझ में आ रहा है इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414141 8197041411, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।